हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बजे हैं 10:40 और आज है कौन सा डे है चिको? आज आज है मंडे। मंडे क्योंकि आज मेरे हस्बैंड गए हैं अपनी ड्यूटी पे, तो इसलिए क्योंकि मंडे को गए, कल उनका ऑफ था संडे। और कल इसका चिको का भी ऑफ था और आज इसका एग्ज़ाम था जो हो चुका है ड्राइंग का। और कल हुआ ही हूँ, रात को नींद भी पूरी नहीं आई क्योंकि ना रात को इसको वोमिटिंग हो गई थी। एक्चुअली कल हमारे एक फ्रेंड है, उनकी उनके घर डिनर था तो फिर वहाँ पे गए थे हम, चीकू भी साथ में गया था। और खाना बस वही है, बच्चे पता नहीं लगता कितना खा रहे हैं क्या नहीं, कुछ खा लिया होगा ज़्यादा होने। फिर रात को इसको वोमिटिंग हो गई, दो आई थिंक 2 बजे हुए थे रात के। और उसके बाद फिर हमारी भी नींद डिस्टर्ब होगी, सारे वही सारा चादर वगैरह चेंज करी सब बच्चा करता ही है। नाउ ही इज़ फीलिंग, नाउ ही इज़ फीलिंग वेल नाउ, सॉरी। और सात्विक से आप बात करेंगे। सात्विक से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सात्विक? कैसे हो? ठीक हूँ, एग्जाम कैसा हुआ बताओ, सबका अच्छा हुआ। बताओ, क्या क्या बनाया उसमें? ड्राइंग का एग्जाम था ना आज आपका, कैटरपिलर, क्या क्या बनाया आज आपने? हाँ, और फिश। और अभी अभी साथ कोई हो रहा है, बस जल्दी से भाग जाऊं अपने फ्रेंड्स के पास खेल लूं और जल्दी से भाग जाऊं, इसको ही हो रहा है, साथ को निकल लूं यहाँ से। और बाकी चलते हैं, बताते हैं आपको आगे की प्रोसेस। आज ऐसा कुछ समथिंग स्पेशल नहीं है, बट हाँ कपड़े थोड़े वॉश करने पड़ेंगे मुझे, इसने खराब कर दिए रात को। और सात्विक का बर्थडे है तो इसे विश जरूर करना, 27 को सात्विक का बर्थडे है, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। और इसके ऑलरेडी हम कुछ गिफ्ट्स मैंने जो आपके साथ शेयर किए थे मैं ला चुकी हूँ, है ना? और सात्विक को और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। गलती चाहिए। और ये लड़का ना बिल्कुल पागल है, हम इसकी स्टोरियो की कार्स आती है वो वाली कार लेके आए थे। ब्रेकफास्ट कर लो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं हाँ बना तो मैंने मॉर्निंग में दिया था, जैसे मेरे हस्बैंड लंच लेके जाते हैं ना, तो उस टाइम मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था। और फिर इससे एग्ज़ाम था, फिर मैंने सोचा बीच में जाया नहीं जाएगा खाना लेने के लिए, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी अपना और सात्विक का। और अब ये बिल्कुल मना कर रहा है खाने के लिए क्योंकि इसकी रात को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसने वैसे भी अभी दूध लिया था थोड़ी देर पहले, तो अब ये मना कर रहा है। लेकिन मुझे लगी अब भूख, और ये सात्विक का और मेरा खाना था, मैंने आज बनाया है खाने में न्यूट्रिला, न्यूट्रिला और कर्ड और मैं रैप इसलिए करके लाई थी क्योंकि फिर वही है ना, सूख जाती है रोटी इसमें, क्योंकि हमने लेट खानी थी। मैंने भी जब मेरे हस्बैंड गए तो मैंने चाय ली थी और उसके बाद फिर अब खा रहे हैं, कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। औरों के लिए अभी हाँ बना बन चुका है सबके लिए खाना, फिर वही है ना टाइमिंग का नहीं है, कोई किसी टाइम खाएगा कोई किसी टाइम खाएगा। और सर्दी वैसे है तो वैसे भी लेट उठते हैं सभी, और सर्दी में सच बताऊँ तो कंबल में से बिल्कुल निकलने का तो मन करता ही नहीं है। और ये लेकिन फ्रेंड्स, मम्मी निकलती है बहुत ज्यादा और मुझे ना बाहर भेजती है वो स्केच लाने के लिए। बोलता ही जा रहा है, कह रहा है मैं कह रही हूँ ना कि निकलने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, और कह रहा फिर भी मम्मी निकलती है, निकलना पड़ता है भाई, सबको मजबूरी में निकलना पड़ता है, काम करने तो निकलना पड़ेगा, अदरवाइज
ठंड में तो शायद मतलब कोई कुछ नहीं होता होगा, कंबल में निकल कर मजा आता है। सर्दियों में तो कंबल में पड़े रहो। ओके कर्ड हम घर पे ही बनाते हैं, और बहुत लोगों की है सर्दियों में मतलब नहीं जमती अच्छे से, लेकिन पता नहीं हम उसे अच्छे से जैसे कवर करके ढक के और फिर जमाते हैं बन जाती है। यम्मी न्यूट्रीला अच्छा बना, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और वैसे भी जब कोई मतलब सब्जी होती नहीं है ना जो समझ नहीं आती क्या बनाए, तो हम न्यूट्रीला ही बना लेते हैं। एक्चुअली में हुआ कि कल जैसे संडे था तो सब्जी वाले कोई आए नहीं थे, तो सब्जी कुछ पड़ी नहीं थी, मैंने न्यूट्रीला बना दिया। और थैंक यू।
रूम की क्लीनिंग हो गई है, अब मैं जाती हूँ नहाने, फिर आपसे फिर से मिलती हूँ। और ये देखिए कैसा लग रहा है, मैंने बनाया खुद से। ये हमारी शादी की भी पिक, ये भी मैंने बनाया है बॉटल में। कैसा लगा? आई थिंक अच्छा लगा। ओके फिर मिलते हैं आपसे नहाने के बाद।
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, और कुछ कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय फ्रेंड्स।